हुए। अभी कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। हो सकता है इसे फिर कुछ लोग मेरी भड़काऊ बात कहें, हो सकता है मुझे नहीं पता इसे किस किस तरीके से ये मीडिया वाले लेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हर मंगलवार को बाजार लगते हैं, ठेली वाले खोमचा वाले बाजार लगते हैं, सब्जी के बाजार लगते हैं, पूरे देश में कहीं शनिवार को कहीं शुक्रवार को बाजार लगते हैं। लगते हैं ना, दोनों हाथ उठा के बताइए, लगते हैं ना? आप सब वहीं से खरीदते हैं ना, सब्जी खरीदते हैं ना? क्या आपने कभी देखा कि जितनी ठेली लगती है, जितनी दुकानें लगती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी नोट किया उन ठेली दुकान वालों से? पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप सोच के देखिए, अब से 9 साल 10 साल पहले जब मनमोहन सरकार हुआ करती थी, पूरे देश में बम फोड़े जाया करते थे, पूरे देश में बम फोड़े जाते थे, इजराइल की तरह बम फूटते। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज हिंदुस्तान में भी हमास के लोग यहां बम फोड़ रहे होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्नल डाट ने कहा, उनकी किताब में लिखा है कि इतिहास से अगर राजपूतों का नाम निकाल दिया जाए, इतिहास निकाल दिया जाए, तो इतिहास दो पन्नों का बचता है, इतिहास नहीं बचता, इतिहास आपसे है। और आपको अगर इतिहास से निकाल दिया गया तो इतिहास नहीं बचता, कुर्बानी दी है हमारी माता और बहनों ने, जहर किया, हम विघ्नों के खिलाफ लड़े हैं, हम अपने देश के लिए लड़े हैं, हम कारगिल युद्ध लड़े हैं। जब कारगिल युद्ध लड़ा जा रहा था, आपकी राजपूत राइफल के जवान आगे सीना फेर कर लड़ रहे थे, नहीं चाहिए सारी बात। आप संगठित रहे ये जरूर है। अभी कुछ लोगों ने कहा गद्दार गद्दारी करते हैं, मैं ये नहीं कहता गद्दार गद्दारी करते हैं, जिनका काम गद्दारी है जिंदगी भर गद्दारी करेंगे, लेकिन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देना आपका काम है, वो आपसे कर रही। गद्दार गद्दारी करते रहे, मुंह तोड़ जवाब आप देते रहे, जब समय आए मुंह तोड़ जवाब आप देते रहे। आतंकवाद का नया काम शुरू किया जा रहा है और हिंदुस्तान में नया हमास खड़ा किया जा रहा है, नया हमास जैसा आतंकवादी खड़ा किया जा रहा है, इसका जवाब देने की जरूरत है, इसे पकड़ने की जरूरत है। और एजेंसियों से मैं कहता हूं कि इसकी जांच करें, और इस तरह के लोगों को, और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जितने इस तरीके के ठेली रेडी और दुकान वाले हैं, इनका बहिष्कार भी करिए, जिससे ये पैसा देना बंद करें और देश के साथ खड़ा होने का काम करें। उन्हें पता है किस लिए जाता है, मैंने बहुत पहले उठाया था लंगे हाथ का मामला, जांच हुई तो जो मैंने कहा वो ही निकला था, इसकी भी जांच होगी, जो कह रहा हूं 100% सही निकलेगा, आप देख लेना दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं क्षत्रिय समाज के लोगों से यहां कहना चाहता हूं कि आप लोग खड़े मजबूती से डटे रहिए, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं, अगर आप ठान ले और आपको कोई परास्त कर दे, लेकिन आपको इकट्ठा रहने की जरूरत है, आपको मजबूती से रहने की जरूरत है, गद्दारों को जवाब देने की जरूरत है। क्या देंगे, क्या देंगे, दोनों हाथ उठा कर, क्या देंगे जवाब? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो विषय मैंने अभी रखा, ये तो 600 रुपए की रसीद कट रही है, इसका जवाब देने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? इसका एक ही जवाब है, जब उन्हें दिखेगा कि तुमसे सामान लेना बंद कर दिया, तब वो इस आतंकवाद के धंधे को बंद करेंगे, नहीं तो अनवरत चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।